Salman Khawatin Hazrat, aaj hamare sath maujood hain Dr. Faisal Sultan, who's the Prime Minister's focal person on COVID-19, and he's also an infectious disease specialist. Salman Dr. Saab, kaise hain? Waalaikum assalam. Khairiyat, aap sunaiye. Allah ka shukr. Achha, Dr. Saab, kaafi zyada social media ke upar, particularly jo hai na, you know, log pareshan hain, aur uski wajah se wo social media pe kaafi cheezein bhi likh rahe hain, kaafi sawalat bhi aa rahe hain regarding how the government is managing, you know, the entire COVID situation. I thought ki aap se directly pooch liya jaye kuch sawalat jo ke hame social media mein mil rahe hain. Lekin I started with a basic one. Aajkal most recently aap logon ne ek projection nikali hai government ne, jisme June to August aapne bataya hai ki you know kis taraf cases jayenge aur kis taraf deaths jayengi. आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं कि हाउ ऑथेंटिक दिस इज, एंड साथ ही ये बताइएगा कि इससे पहले काफ़ी अर्से तक ये साइलेंस रही है. जनरली हम दुनिया में देख रहे थे कि यू नो प्रोजेक्शंस आ रही थी, बट गवर्नमेंट ने पहले नहीं निकाली. व्हाट इज़ द रीज़न कि अब आपने वो निकाली? शुक्रिया जी, ये बहुत अहम सवाल है. पहली बात तो ये है कि जहाँ तक प्रोजेक्शंस का ताल्लुक है, वो पहले दिन से बनाई जा रही हैं, उनको एवेलुएट किया जा रहा है, उन पर नज़र डाली जा रही है और उनकी बेसिस पे कुछ डिसीजंस भी किए जा रहे हैं. लेकिन ये प्रोजेक्शंस जब शुरू में की जाती हैं तो कदरे डेटा कम होता है, स्पार्स डेटा होता है और चुनाचे वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती. और हमने देखा कि ऐसे ही है, जितनी भी प्रोजेक्शंस की गई वो शुरू में बिकॉज स्केर्स डेटा पे होती हैं वो उतनी मुस्तनद नहीं होती. वक्त के साथ एक तो हमारे पास डेटा बेहतर हो गया, दूसरा जो हमारे प्रोजेक्शनिस्ट और मॉडलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास बहुत सारे एडिशनल डेटा पॉइंट्स आ गए, बहुत सा एनालिसिस आ गया. तो एक तो यह है कि हमने देखा कि वक्त के साथ उनकी प्रोजेक्शंस जो हैं, जो उन्होंने पहले की हुई थी गोइंग फोर्थ 2 वीक्स एंड 4 वीक्स, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गई, वो ज़्यादा मुस्तनद नज़र आना शुरू हो गई. तो एक तो यह कि उनके ऊपर भरोसा करना और उनको पब्लिक में डिस्कस करना जिसे कहते हैं मुनासिब नज़र आना शुरू हुआ. तो एक तो उसकी जो वेरासिटी थी, उसकी जो ट्रूथ था, वो ज़्यादा ऑब्वियस हो गया. दूसरी बात वो ये कि हम समझते हैं कि देखने से और तमाम एविडेंस भी नज़र आती है कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इस मामले की सीरियसनेस को ले नहीं रहे उस तरह से जैसे कि लेना चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो एहतियातें हमें बरतने की ज़रूरत है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है क्राउडिंग क्राउडेड जगहों के ऊपर और दीगर जो एहतियातें हैं मार्केटों में, दूसरी जगहों में आपको रश दिखता है, तो हमें लगा कि एक कुछ डिस्कनेक्ट है. बावजूद इस मामले की सीरियसनेस के लोग उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे. तो ज़रूरी था कि एक बड़ा टेंजिबल और क्लियर मैसेज दिया जाए कि देखिए अगर हमने यह बद एहतियाती की तो हमारे तखमीने के मुताबिक 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद ये सिचुएशन हो सकती है. और वो नंबर्स ऐसे हैं जो तवज्जो तलब हैं और जिनको देख के हमें सोचना चाहिए कि ये मामला इस तरह से जाता रहा तो ठीक नहीं. ना सिर्फ कि ये, बल्कि इसके अंदर एक और अहम मैसेज शामिल है और वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पहुँचें, हम इस चीज़ को तब्दील कर सकते हैं. ये हमारी ताकत में है कि अगर हम खुद से एहतियात बरतें और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करें तो हम इन नंबर से बहुत नीचे रह सकते हैं, ताकि कि हमारे ऊपर जो इस बीमारी का डैमेज है हमारे माशरे पे वो कम से कम आए, अमवात कम से कम हो. तो ये दो इम्पॉर्टेंट वजहें थी जब इस जिसकी वजह से इन स्पेसिफिक नंबर्स को पब्लिकली डिस्कस किया गया. फैक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोजेक्शंस एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्शंस हैं. ये भी लोगों को समझना जरूरी है कि यू नॉट सेइंग कि यही नंबर्स आएंगे, बट रादर यू नो अगर हम इस तरह चलते रहे तो ऐसे नंबर्स आएंगे एंड वी कैन ब्रिंग दिस डाउन डेफिनेटली. अच्छा, इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिपोर्ट है, यू नो बड़ी बड़ी वायरल हो रही है बहुत, उसके ऊपर आजकल ज़ाहिर लोग परेशान हो रहे हैं उसको देख के. 2.29 मिलियन डेथ्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो लोग बाई जनवरी इन पाकिस्तान. आप उसको किस तरह से देखते हैं पर्सनली? देखिए, उन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस की हैं, परहैप्स उनके अपने कुछ मफरूजात हैं जो उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट, अपनी सिचुएशन के मुताबिक किए हैं, किए उन्होंने पाकिस्तान के लिए. लेकिन उसके देखिए, किसी भी प्रोजेक्शन में जो आपको डेटा बाहर में मिलेगा वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द इनपुट एंड द अजम्पशंस. उनकी अजम्पशंस और उनकी कैलकुलेशंस की नस्बत जब हम देखते हैं कि जो हमारे अपने मॉडलिस्ट हैं, उनको ना सिर्फ के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को वो बड़ा वाज़े तौर पे समझते हैं, हमारी प्रेजेंट डेटा को, हमारी बीमारी की प्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री को, उसके अंदर जो ऊँच नहीं चाहिए, हमारे वेरियस एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं, वो तमाम उसको फैक्टर करके देख रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है हमारे अपने जो मॉडलिस्ट हैं और जो प्रोजेक्शनिस्ट हैं डेटा के, उनके ऊपर कर सकते हैं. और ये भी बताऊं कि ये कोई एक अकेला शख्स नहीं कर रहा, 3 सेपरेट ग्रुप्स हैं जो अपनी अपनी जगह इसको कर रहे हैं, और ताकि एक प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो रहे और हम पूरी एक रेंज देख सकें. तो मैं समझता हूँ कि इंपीरियल कॉलेज की स्टडी को देखने की बजाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे अपना डेटा है उसको देखें. एक और चीज़ वाजे कर दूँ, देखिए ये तमाम प्रोजेक्शन जो है ना,
ये जितना, और ये वाज़े सी बात है और कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक हफ्ते की बताएं तो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, दो हफ्ते की हों तो तकरीबन ठीक होती हैं, लेकिन जितना जितना आप दूर जाते जाएं उनमें इनएक्यूरेसी आती जाती है। तो ये जनवरी की प्रोजेक्शन आज बैठ के करना और सोचना जो है एक डेंजरस सी बात है, इन द सेंस कि इट कैन मिसलीड यू वेरी बैडली। राइट राइट, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बट आई फील लाइक दिस नीड्स टू बी आंसर्ड। हाउ इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, हमने देखा कि मास्क स्टार्ट में जब यू नो गाइडलाइंस आई WHO की, तो उस वक्त मास्क के बारे में कोई जिक्र नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया, एंड एट दिस पॉइंट वी डू सी के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नो मास्क को पहनना चाहिए। आपकी नज़र में मास्क कितना इंपॉर्टेंट है इन द कंट्रोल ऑफ द वायरस? यकीनन अहम है, लेकिन देखिए मास्क की जो कम्युनिकेशन और मैसेजिंग है, ये लगता तो है कि इसमें कुछ पेंडुलम और यो-यो आया, एक दिन हुआ फिर वो आपने देखा कि पिछले दो दिन में वो बैक एंड फोर्थ बहुत सी हुई और WHO के खिलाफ लोग के बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दी, लेकिन जो जो बेसिक मैसेज है ना वो ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ और वो इस एपिडेमिक की शुरू से ही ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। पहली बात, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जिसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करती है। तो मास्क जो है उसका बचाव जो सबसे ज़्यादा है वो उसको है जो आपके गिर्द बैठा है। अगर आपको खुदा न खास्ता गला ख़राब है, बुखार है, इन्फेक्शन है और आपके चेहरे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं या खुदा न खास्ता आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि मास्क का इस्तेमाल जो है उसके उसमें सबसे पहली रुकावट बनता है दूसरे को फैलाने से। और ये देखा गया कि जब आप ज़्यादा लोग मास्क पहन लें तो बहुत सारे वो लोग जिनको शायद मालूम ना हो, जो अभी बिल्कुल सिम्टोमेटिक होने वाले हैं और अभी नहीं हुए और उस वक्त हो सकता है वो इन्फेक्शन फैलाने के काबिल हो चुके हों, तो कम अज़ कम उनके फैलाने में एक रुकावट बन सकता है। तो इसीलिए थोड़ी सी इवॉल्व भी की है जो रिकमेंडेशन, और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC की थोड़ी यू नो ये चेंजिंग जिसे कहते हैं रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन बाहर क्या इसमें कोई शक नहीं कि जिस मौजूदा सिचुएशन में हम हैं, मास्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पे उन सिचुएशंस में जहां हम इंडोर हैं, जहां हम क्लोज क्वार्टर्स में हैं, जहां हमारे सिम्टम्स हैं, उधर तो डेफिनेटली इनका इस्तेमाल लाजम है कि किया जाए। सही। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त जो प्लाज्मा डोनेशन है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन जो है वो काफ़ी एक्टिवली यू नो ऑन अ ग्राउंड लेवल वॉलंटियर लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली परसू हो रही है, और इसी के साथ साथ जो एक्ट नमरा इंजेक्शंस हैं, इन दोनों के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा। दूसरा ये कि हमने देखा कि जो इंजेक्शंस पर्टिकुलरली हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आउटरेज है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव रेट्स के ऊपर इस वक्त ब्लैक में बिक रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लॉ? में मेरे ख्याल से जो पहली चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए, वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है। बात यह है कि ये किसी हद तक नेचुरल चीज़ है कि जब कभी कोई वबा फैलती है, जब कोई आफत आती है, तो लोग डेस्परेट होते हैं। ठीक है, जब वो डेस्परेट होंगे तो वो क्या कहते हैं, क्लचिंग एट स्ट्रॉज पे जाएंगे, हर तरह की चीज़ जो है उनको दिखेगी। अब ये दो दवाइयाँ जिनको आपने जिक्र किया, इनकी कुछ एविडेंस मौजूद है कि सर्टन सिचुएशंस में, फिर से कहूँ, चंद मखसूस हालात के तहत इनका इस्तेमाल किया जा सकता है या उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन ये किसी सूरत ऐसी नहीं कि हर किसी जिस शख्स जिसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो जाके सोचे कि मैं ये लगवा लूँ या बतौर इंश्योरेंस पॉलिसी उठा के मैं अपने घर में संभाल के रख लूँ कि कहीं मुझे ज़रूरत हो। देखिए, ना सिर्फ कि ये ख़तरनाक और मुज़िर हो सकती हैं अगर ये सही तरीके से और सही सिचुएशन में ना इस्तेमाल की जाए, दूसरी बात यह कि ये इसका ज़खीरा करना अपने ही माशरे से दुश्मनी है, क्योंकि हो सकता है आपके ज़खीरा अंदोजी से किसी को जिसको वाकई ज़रूरत है उसको ये चीज़ अवेलेबल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पर नेशनल और प्रोविंशियल गाइडलाइंस मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स पे हैं, बड़ी स्पेसिफिक हैं, और उन जैसे कहते हैं ना कंडीशंस के अंदर रहते हुए अगर इस्तेमाल की जाएँ बाय वैलिड प्रोफेशनल्स तो ये बात ठीक है। जहाँ तक प्लाज्मा का ताल्लुक है जी, उसके ऊपर भी जो मैंने तमाम बातें की वो उस पर अप्लाई करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको इस वक्त सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है, ट्रायल सेटिंग है, उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। और अभी रिसेंटली लैंसेट में एक आर्टिकल छपा था, अच्छा ट्रायल था, जिसमें शो किया गया कि सीवियर डिजीज़ में तो बाहर कैफ इसकी यूज़फुलनेस जो है वो क्वेश्चनेबल है और बल्कि वाजे नहीं हो सकी। आज या कल में एक पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हीमाटोलॉजी की तरफ से भी एक खत आया जिस पर उन्होंने काफ़ी कॉशन किया है इसके बारे में कि इसको भी किसी सूरत एक जिसे कहते हैं ना मैजिकल ट्रीटमेंट या जादू की छड़ी ना तसव्वुर किया जाए। चंद सिचुएशंस में अंडर सुपरविजन अगर ये इस्तेमाल किया जाए, वो भी ट्रायल सेटिंग में, तो वो तो शायद मुनासिब है, लेकिन ये किसी सूरत भी एक ब्रॉड अक्रॉस द बोर्ड इलाज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये हम ये मैसेज क्लियर कर पाएँ तो फिर इसके पीछे जो एक भेड़ चाल सी लग गई है उसको रोका जा सकता है।
सही। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वेंट्स और हॉस्पिटल बेड्स की, थोड़ा सा आप उसके बारे में वजाहत कर सकें? और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम पीक की तरफ जा रहे हैं और ऑलरेडी हमें सोशल मीडिया पे एटलीस्ट खासकर हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यू नो अब बेड्स अवेलेबल नहीं है मुख्तलिफ शहरों में, और बेड्स के बारे में भी सिमिलर यू नो कन्वर्सेशंस आ रही हैं, तो उसके बारे में गवर्नमेंट के क्या इस वक्त प्लान्स हैं? आर दे लुकिंग टू इंक्रीज द नंबर? शॉर्ट आंसर पहले कर लेते हैं, आंसर इज़ येस, लेकिन थोड़ा इसकी तफसील जानने की ज़रूरत है। देखिए, जब एक तो यह है कि जब ये बीमारी किसी को लगती है, इन्फेक्शन लगती है, तो ये क्लियर है कि उसमें से शायद बेशतर लोग जो हैं उनको कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते, या कुछ को या बहुत सारों को तो शायद बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, तो ज़्यादातर लोगों को तो शायद पता ना चले। फिर कुछ वो लोग हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, माइल्ड सिम्टम्स मुराद है खांसी होगी, शायद कुछ बुखार होगा, और वो चंद दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। अगेन, इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की, अस्पताल जाने की या किसी और इलाज की डायरेक्टली कतन ज़रूरत नहीं। इसके बाद इनमें से फिर चंद थोड़े से दीगर कुछ लोग होंगे जिनको सांस में तकलीफ होगी, और ये वो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की थेरेपी की ज़रूरत है। उसके लिए जी ऑक्सीजन का एक अवेलेबल बेड यानी उस वो केयर और वो अस्पताल में भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि जैसे आइंदा आने वाले दिन हैं इसकी इफ़ेक्टिव होम ऑक्सीजन थेरेपी भी की जा सकती है, प्रोवाइडेड प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो सेटअप कर ली जाए। फिर इसके बाद एक अगली कैटेगरी है जिनको थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन है, जो ज़रा जिसके लिए सेटिंग थोड़ी सी ज़रा एडवांस चाहिए। फिर उसके बाद उनमें से चंद ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप टोटल से देखें तो वेंटिलेटर की ज़रूरत बहुत थोड़े लोगों को पड़ती है, लेकिन जब आप की इन्फेक्शन लाखों में और हज़ारों में हो तो जाहिर सी एक नेचुरल बात है कि कुछ लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोनों सूरतों में जो एग्जिस्टिंग हमारे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक हद तक था, उसको दोनों चीज़ों को, चाहे वेंटिलेटर्स हों या ऑक्सीजन के बेड्स हों, इनकी तादाद में इजाफा ऑलरेडी हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में फर्दर इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे पीछे अनाउंस किया गया कि जून के एंड से पहले पहले 1000 इजाफी ऑक्सीजन वाले बेड जो हैं क्रिएट किए जाएंगे, और अगले एक महीने में तकरीबन 1000 के करीब या बल्कि थोड़े उससे ज़्यादा इन एडिशन टू दीज 1000 किए जाएंगे। तो ये प्रेपरेशंस नॉट ओनली अंडर वे हैं, इसके टेंजिबल प्लान्स प्रोविंसेस के साथ कोऑर्डिनेशन में एनडीएमए बना चुकी है, और मुझे और प्रोविंसेस अपने प्लान्स भी बना चुके थे इसमें, ये हर एक ने अपनी अपनी जगह तैयारी की थी, और ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसमें एक खातिर खा एक बड़ा नोटिसेबल इजाफा आएगा। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है, जाहिर है वो चूँकि एक मशीन है, उसको भी उसमें भी इंक्रीज़ किया गया है, और उसकी जो कैपेसिटी है उसके लिए भी ऑलरेडी अ फ्यू हंड्रेड वेंटिलेटर्स ऑलरेडी इन स्टॉक मौजूद हैं, जो कि एक प्रॉपर तरीके के मुताबिक जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, और इसके अलावा जुलाई के महीने में इन एडिशन टू दोज भी जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे और ऑब्टेन किए जा रहे हैं। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है बाहर कैफ, उसमें इजाफा आ रहा है और आएगा। इसमें एक बहुत अहम बात है कि साथ साथ हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर दबाव तो बेशक है, ख़ासतौर पे 4-5 जो बड़े शहर हैं वहाँ डेफिनेटली सिस्टम खासी हद तक फिलअप हुआ हुआ है। अवेलेबल बेड्स कई दफ़ा होते भी हैं, तो लेकिन कई दफ़ा वो शायद आपके इमीडिएट नेबरहुड में ना हो, किसी ऐसे अस्पताल में ना हो जहाँ आप जाना प्रेफर कर रहे हो, तो ये ज़रूर मामलात हैं। इसीलिए हमने कोशिश की कि इसकी विजिबिलिटी जो है वो सब तक पहुँचाई जाए, इमरजेंसी सिस्टम्स तक, यानी जो एम्बुलेंस वाले हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, और बल्कि आपने देखा एक वो ऐप है जो कि पब्लिक तक भी अवेलेबल है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है और उसका जो एक्यूरेसी है डेटा की, वो डिपेंड फिर हम पे करती है, हम एज प्रोफेशनल्स, एज रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल्स, हम कितना एक्यूरेटली और दिन में रेगुलरली उसको अपडेट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपडेटेड नज़र आएगी। तो ये जो कमी है ये डेफिनेटली हो रही है और है, और इस ये थोड़ी पैची है, किसी जगह कुछ कैपेसिटी अवेलेबल होती भी है और बस औकात किसी दिन या किसी एक लोकेलिटी में कम भी पड़ जाती तो, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ना सिर्फ के वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, कुछ हो चुका है और ये होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें कुछ इजाफा तो ज़रूर होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर इस दौरान शदीद प्रेशर है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं, वो बीमार मरीज़ों को डील करते हैं, इसमें प्रेशर, बर्नआउट, फियर, उनको अपनी सेहत, अपनी फैमिलीज़ की सेहत के लिए परेशानी होती है, जो एक कुदरती अमल है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनके लिए जो पीपीज़ और ये सारी चीज़ें हैं ये लगातार मुयसर करनी है। आपको याद होगा कि आज से महीना पहले, डेढ़ महीना पहले,
PPEs की सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं थी जितनी आज है। बिल्कुल। तो इसलिए हम वी हैव रिजन टू एज अ नेशन आई थिंक हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा सिस्टम हैज़ रिस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली टू इट। तो वो चीज़ आज बेहतर है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से हमारी वेंटिलेटर कैपेसिटी और ऑक्सीजन कैपेसिटी भी इसी तरह से बढ़ेगी। इसमें हम हर लेवल पे काम करने की कोशिश कर दें और कर रहे हैं, ऑल द वे फ्रॉम एक्चुअल क्रिएशन ऑफ यू नो ऑक्सीजन इट्सेल्फ, ऑल द वे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स डाउन टू टू द बेड ऑफ द पेशेंट। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, जनरली क्योंकि जाहिर है कि ट्रीटमेंट कोई प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करती, सो यू नो ओवरऑल लोग जो हैं वो अब हर किस्म के टोटके बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी फॉरवर्ड्स आते हैं। सना मक्की बड़ा मशहूर हुआ पिछले दिनों के, जिसके लीक्स पी लें, उसकी वजह से उसके बाद फिर वीडियो भी आई मोस्ट रिसेंटली जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो उसकी वजह से पेशेंट की एक्चुअली तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये इस किस्म की जो ये देसी हर्ब्स हैं और ये रिकमेंडेशंस जो आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि जी उन तमाम चीज़ों पर भरोसा किया जाए जिसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, चाहे हर्ब हो, चाहे देसी टोटका हो, चाहे आपको याद है आज से चंद हफ्ते पहले क्लोरोक्विन फ्लेवर ऑफ द डे हो गई, पर उसके ऊपर किधर से बात कहाँ गई। कहने की बात यह है कि जल्दबाजी में और पैनिक में बसा औकात लोग अजीबोगरीब और कुछ दफ़ा मुज़िर टोटकों तक भी बात आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो हमने देखा है, गुड मेडिकल केयर, वक़्त पे ऑक्सीजनेशन, मरीज़ को प्रोन करके उल्टा लटा के उनकी ब्रीदिंग को बेहतर करना, और जो मुज़िर दवाइयाँ हैं उनसे बचा के रखना जो है, मैं समझता हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मुझे कई दफ़ा दुख होता है कि हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं अपने ही डॉक्टर्स का इलाज करते हुए इतनी पॉलीफार्मेसी कर रहे हैं, इतनी इजाफी दवाइयाँ दे रहे हैं जिनको कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। तो यकीन कीजिए हर दवाई का अपना नुकसान और साइड इफ़ेक्ट पोटेंशियल होता है, उससे बचने की ज़रूरत है। और इस वक्त दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, किसी चीज़ का कोई वाज़े असर नहीं है। वो जो एक दो दवाइयाँ जिनका कुछ असर है भी, वो भी मार्जिनल है, और जैसे मैंने जिक्र किया टोसिज़ुलमैब वगैरह का, वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर है, ये हर एक के लिए नहीं है। सही। अच्छा, वी डू अंडरस्टैंड कि इसका जो सोल्यूशन पोटेंशली निकलेगा वो एक वैक्सीन की सूरत में निकलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या ऐसे यू नो स्टेप्स ले रही है टू मेक श्योर, क्योंकि हमें पता है कि जब ये वैक्सीनेशन की बात आएगी, जहाँ से भी निकलेगी इंशाल्लाह, आई होप जल्दी निकले, तो वो पूरी दुनिया से उसकी डिमांड आएगी। सो डू वी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स जो कि हमने यू नो इंश्योर करने के लिए कि जी हमारे सिटीजन्स को टाइमली ये वैक्सीनेशन मिल जाए? इसके दो स्टेप्स हैं जी। एक तो ऑब्टेनिंग ऑफ द वैक्सीन इटसेल्फ। अब वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी वैक्सीन, कौन सी वाली कैंडिडेट वैक्सीन जो है वो उस काबिल होगी कि जिसकी एफिकेसी पता चल जाएगी। तो ये तो इट इज़ लाइक बेटिंग ऑन डिफरेंट हॉर्सेज, और वो मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के ज़रिए बहुत सी दर्जनों ऐसी कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो टेस्ट हो रही हैं। इनमें से एक दो या इससे ज़्यादा भी मुमकिन है सामने आ जाएं जो कि एफिकेशियस होंगी। सो उस सूरत में ये देखना होगा कि उसकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी कितनी है, किस मुल्क में है वो, ग्लोबल उसकी अवेलेबिलिटी कितनी तेज़ी से कर सकते हैं। तो इसके बारे में इस वक्त एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लॉक इन कर दे वो नामुमकिन। हाँ, अगर आपको ये पता हो कि ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन कैंडिडेट वैक्सीन है इधर ही मामला बनेगा, तो फिर तो आप उसको उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, आज आपको डोजेस कुछ मिल भी जाती हैं, फिर आप उसको अपने मुल्क में कैसे डिप्लॉय करेंगे? तो फिर उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने हेल्थ सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर्स नर्सेज ही नहीं होंगे तो आपको सबसे पहले जो अपना हेल्थ वर्कर है उसको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। फिर आपकी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एक उम्र से ज़्यादा जो कोर मॉर्बिड कंडीशन जो इसमें ख़ास तौर पर रेलिवेंट हैं, तो हमें इसकी वो बड़ा क्लियर है कि वो किस ऑर्डर में दी जा सकती है। और फिर दीगर कुछ की और स्ट्रेटिजिक जो आपकी मुल्क के अंदर एंटिटीज़ हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना होगा। तो आप पुलिसिंग चाहते हैं तो नेचुरली यू वुड वांट के उनको भी प्रोटेक्ट किया। तो ये एक पूरा तरीकाकार है, और ये वेस्ट में खास एक स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ बना हुआ है जिसके तहत आप उसको रोल आउट करेंगे। बिल्कुल मौजूद है। सिर्फ ऑब्वियसली देखना ये होगा कि उसकी तादाद और मकदार वैक्सीन की क्या होगी, और वो कितनी जल्दी रैंप अप उसकी कैपेसिटी हो सकती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को उसकी रसाई कितनी जल्दी हासिल होगी। राइट, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक डॉक्टर साहब बहुत जो मेजर जिसे कहते हैं ना कि जिसके ऊपर शोर मच रहा है, आपको पता है वो एक एंडलेस डिबेट है, लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन। उसकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जी जर्मनी और इटली और उनके जो ग्राफ्स हैं वो बेसिकली नीचे जा रहे हैं तो लॉकडाउन हट गया, और पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर लॉकडाउन हमारा हटा। इसके बारे में अगर इफ़ यू कैन सॉर्ट ऑफ यू नो शेयर सम थॉट्स ऑन दिस, कि क्या वजह है कि हमने इस तरह से किया? और देखिए, जो मुल्क जिनके यहाँ ये वबा तेज़ी से आई,
उनका जो ग्राफ की जो उनकी एपिडेमिक की शक्ल है वो फ़र्क थी, वो तेज़ी से ऊपर गई और फिर उसके बाद नीचे आई। अब अगर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाना है डेढ़ दो ढाई महीने के अंदर, तो वो एपिडेमिक कर्व की सूरत बिल्कुल फ़र्क है। हमारे यहाँ और बाकी सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, शुरू में ये बहुत स्लो आई, ठीक है, और इसका राइज स्लो रहा। अब जब आपका राइज स्लो है, आप एक ग्राफ को देखिए, वो जितने आराम से ऊपर जाएगा उतने ही देर से पीक पे पहुंचेगा और उतने ही बाद पीक के, सिमेट्रिक ग्राफ होता है आमतौर पे, ठीक है। सो देयरफॉर ये कहना कि वही ड्यूरेशन और वही टाइमिंग हो जो कहीं और है, तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट, स्पेशली अगर आपकी एपिडेमिक जो है उसका स्पैन बहुत लंबा है। फिर आपको उसको अपने लिए लोकली मॉडिफाई करके और थोड़ी सी इनोवेशन और समझदारी का, जिसे कहते हैं हमने, सबूत देना है। मैं समझता हूँ कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग के जिस वक्त आपने इंस्टीट्यूट की, हेयर वी आर टुडे, ठीक है, हमारे नंबर्स वो हैं जो हमारे सामने हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ये वो वक्त है जिधर हम अपने एक्शन से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आप देखिए, हर कोई बात कर रहा है कि जी 11 मई के बाद सोसाइटी ओपन अप हुई और उसके बाद ये चीज़ नंबर्स में इजाफा हुआ। वेदर आप उसको कम या ज़्यादा एसोसिएट करें, बट ये तो क्लियर है बात कि जहाँ लोग मिक्स होंगे, जहाँ क्राउड होगा, उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को फैलने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारे एक्शंस जो हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इस बीमारी के ग्रोथ को। चुनाचे हमारे पास आज भी मौका है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। देखें, आज हम इस मुल्क में बैठे हैं, हर किसी का जानने वाला किसी ना किसी सूरत में, आपने किसी का सुना है किसी को इन्फेक्शन हो गई, खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा बीमार हुआ और खुदा ना खास्ता कोई जान भी अपनी से भी हाथ धो बैठा। लेकिन जब आप उसके गहराई में जाते हैं, जब आप पूछते हैं, तो मुझे दुख होता है जब मैं किसी से पूछता हूँ तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई बद एहतियाती हुई, कहीं कोई किसी जगह क्राउड में चला गया, कहीं भेजा ऐसी जगह गए जहाँ जाना अवॉइड हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को इंटरनलाइज़ करने की, समझने की ज़रूरत है कि 200 या 210 या 220 मिलियन लोगों का मुल्क जो है, उसमें इसको हमें खुद से भी थोड़ी सी, अपने साथ भी ज़िम्मेदारी लेके चलनी है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसके बग़ैर इसका फुल इम्पैक्ट हम ले नहीं सकते। यकीनन हुकूमत की तरफ से एनफोर्समेंट, जिसको स्मार्ट टारगेटेड रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन जो लफ्ज़ दे दें, मकसद क्या है उसका, कि जहाँ बीमारी का फैलाव ज़्यादा हो रहा है उस जगह को आप टैकल करें, वो तो अपनी जगह हैं बातें, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी हम हर एक एज फर्द एज सिटीजन्स भी हमने शहरी के तौर पर इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान में जनरली हमने देखा कि हेल्थ केयर के ऊपर इतना प्रॉपरली कभी फोकस नहीं दिया गया। आपको लगता है कि इस पेंडेमिक के बाद फाइनली वी विल हैव द यू नो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स जो कि हम काफ़ी अर्से से वेट कर रहे हैं जिनका? मेरे ख्याल से ऐसा है, क्योंकि जो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हमने इमरजेंसी में अब कर छोड़ी है और भाग दौड़ में और भगदड़ में की है, ये शायद बेहतर तौर पर पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें, बेटर लेट देन नेवर। इसके बाद ही हम सीख लें। क्या सीखना है हमने? इन्फेक्शन कंट्रोल, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लोग देखते थे कि ये क्या बात हो रही है, ठीक। हॉस्पिटल्स के अंदर बेटर मैनेजमेंट, आज जिन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास एलोक पता नहीं है कि किधर क्या हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है लैब्स, सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, हम लोगों को डैशबोर्ड नहीं दिखा सकते कि किस जगह कौन से बेड में जाना। देखिए, ये वो सिस्टम्स हैं जो आज से दहाइयों पहले एडवांस मुल्कों ने कर लिया थे। अमेरिका में जब 911 आप फ़ोन करते हैं, जो इमरजेंसी का नंबर है, वो जो लोकल डिस्पैचर बच्चा या बच्ची बैठा होता है, यंग सा कोई, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इस शहर के कौन से अस्पताल जो हैं वो फुल हो गए हैं, तो हम उधर कर लें। ये वो सिस्टम्स हैं जो उन्होंने बिल्ड कर रखे थे, हमें अब जाके बिल्ड करने पड़े। चलें, इसी से हम लेसन उठा लें कि इनको कम अज़ कम ज़ाया ना होने दें। उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट, उनकी ट्रेनिंग पे, फिर हमने इंटेंसिव केयर को कभी घास नहीं डाली थी कि भाई ठीक है चलो चंद लोगों को ज़रूरत पड़ती है वहाँ। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की जो रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी है उसके ऊपर, फिर एपिडेमिक्स को डिटेक्ट करना, उनको रिस्पॉन्ड करना, ये एक तरीकाकार सेट होना चाहिए। हमें इसकी जो पाकिस्तान की CDC है वो मौजूद होनी चाहिए, जिसकी तो मेरे ख्याल से बुनियाद तो पड़ गई है। ये जो NCOC है ये इवॉल्व करके इंशाल्लाह इनटू अ प्रॉपर CDC बन जाएगा, लेकिन ये हमें बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो लेजिस्लेशन और जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी नियरली रेडी हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और मैं समझता हूँ कि हर कोई ये इस
بیک زبان یہ بات کر رہا ہے کہ یہ تو جو ہم موجودہ آفت سے ڈیل کر رہے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ گزر جائے گی، مگر اس کے ساتھ اپنے ہیلتھ سسٹم کو پرماننٹ لائنز کے اوپر اسٹرینتھن کیا جائے۔ صحیح، زبردست ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہمارے سارے سوالات کا جواب دیا۔ یہ سیریز ہم ریگولرلی کریں گے تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم کامنٹ سیکشن میں آ کے اگر کوئی اور آپ کو سوال ہے تو وہ مینشن ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو فار واچنگ، آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ پاکستان زندہ باد۔